हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जिसका रिजल्ट एकदम औसम है, जो आपके स्किन को ग्लास स्किन देगा। ग्लास स्किन का मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे अगर हम ग्लास पर अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो जो बढ़िया ग्लो और चमक आता है ना, उस स्किन को हम ग्लास स्किन कहते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर आप स्टैंडिज हो तो आप काले हो तो आपका ग्लास स्किन नहीं है, आप बहुत अमेरिकन हो गोरे हो तो आपका वो स्किन ग्लास स्किन है, नहीं ऐसा नहीं है। आपका स्किन टोन जो भी हो ये मैटर नहीं करता। स्किन टोन चेहरे पर किसी भी टाइप का दाग धब्बा ना होना, डार्क सर्कल्स नहीं है, पिंपल्स एक्ने दाने झुर्रियाँ पिगमेंटेशन सन टैन का प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक स्पॉट्स नहीं है आपके स्किन पे, आपका स्किन एकदम क्लीन एंड क्लियर है, मॉइस्चराइज है और आपका चेहरे पे ग्लो आ रहा है, चेहरा चमक रहा है, तो बेसिकली आपका स्किन ग्लास स्किन ही कहलाएगा। तो ये बात रही ग्लास स्किन की। अब हम बात करते हैं कि ये रेमेडी तैयार कैसे करनी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम ले रहे हैं कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी एक बेहतरीन फेस स्क्रब होता है क्योंकि ये स्किन सेल्स को जेंटली एक्सफोलिएट करता है और स्किन की इम्प्योरिटीज को दूर करता है। इसके अलावा ये स्किन को टाइट एंड नेचुरल ब्राइट करता है। चेहरे के रोम छिद्र को ये डीप क्लीन करता है। ये स्किन पर ब्लड सर्कुलेशन को हाई करता है, स्किन को हेल्दी बनाता है। कॉफ़ी ऑयली एंड ड्राई स्किन वालों के लिए ना बहुत बेस्ट है, तो बहुत अच्छा है ये कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बेसन। बेसन भी हमारे स्किन पर एक बेहतरीन एक्सफिलिएटर की तरह काम करता है। ये हमारे स्किन पर एक्सफिलिएट होकर प्रॉपरली डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, टैनिंग को दूर हटाता है। अगर हमारा स्किन अनइवन टोन है तो उसको इवन टोन देता है। और इसमें क्या होता है, एंटीसेप्टिक गुड़ होते हैं जो एक्ने स्कार्स जो होते हैं, हमारे चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं ना, उसको धीरे धीरे कर पूरी तरह से रिमूव कर देता है और हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ब्राइट बनाता है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है बेसन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हनी यानी शहद। शहद का अगर हम अपने स्किन पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो शहद होता है ना वो हमारी स्किन के अंदर तक जाकर स्किन में नमी को बंद कर देता है, लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है ना कि हमारी जो स्किन होती है एकदम सॉफ्ट सप्पल हेल्दी बनता है, बहुत ही हमारी स्किन एकदम मॉइस्चराइज हो जाती है। और शहद का इस्तेमाल अगर कंटिन्यू करा जाए ना, तो स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है और हमारी स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग भी बनाता है। हनी मैंने 1 टीस्पून डाला है। नेक्स्ट और लास्ट में यहाँ पे मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। नींबू भी क्या होता है ना कि नींबू भी हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करके हमारे डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है प्रॉपरली तरीके से, और स्किन के सनटैन की अगर प्रॉब्लम है वो दूर करता है, दाग धब्बे का प्रॉब्लम है वो दूर करता है। ये भी हमारे स्किन को इवन टोन देता है, स्किन को निखारता है, दाग धब्बों को दूर करता है, हल्का करता है और चेहरे को ग्लोइंग बनाता है। इन सारे चीज़ों को लेकर हम क्या करेंगे, लेने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। पैक जो है ना, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा रनिंग होना चाहिए, ऐसा ना आप बना दे कि वो आपके चेहरे से टपकने लगे तो बहुत इरिटेशन होगा आपको। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करके बना लें अपने सुविधा अनुसार। उसके बाद क्या करना है कि अपने इस चेहरे को वॉश कर लेना है, देन इस पैक को अपने चेहरे पर, अपने अंडर आई के नीचे, अपने गर्दन पर और अपने लिप्स पे भी जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें जैसा जितनी भी चीज़ें हैं ना वो स्किन को एक्सफोलिएट करके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा। तो अगर हम अपने लिप्स पे लगाएंगे तो वहाँ की भी स्किन सेल्स को ये रिमूव करेगा, डेड सेल्स को रिमूव करेगा, अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, तो वहाँ की स्किन भी एकदम नर्म हो जाएगी और चमक भी आएगी, क्योंकि इसमें हनी है तो हनी हमारे लिप्स को लाइटन बनाता है। तो इसके बाद सारे पैक को लगाने के बाद एक मोटी लेयर में लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे कम से कम एटलीस्ट आप अगर इसे 2-3 घंटे रखते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप पूरी नाइट इसे रखते हैं तो और भी बेहतरीन ये रिजल्ट इसका रहेगा आपके लिए। तो डिपेंड करता है आप पर कि आप कितने देर तक इसे लगा कर रख सकते हो। तो इसे लगाने के बाद उसके बाद क्या करना है, छोड़ देना है। देन इसे जब इसको रिमूव करना होगा तो पहले क्या करेंगे, अपने स्किन पर स्क्रब करेंगे यानी मतलब मसाज करेंगे। मसाज करना है, 2 मिनट मसाज करिए। मसाज करने के बाद आपके अपने स्किन को आप हल्का वार्म वाटर से धो लेना है। जब आप इसे रिमूव करोगे ना तो आपको फर्स्ट बार में ही इतना अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना
कि आप कहोगे कमाल का ये फेस पैक है। तो अगर फर्स्ट टाइम में आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगा ना, तो आप सोचिए अगर इसे आप कंटिन्यू करते हो ना, तो आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट देगा ये। बाकी जो आपकी स्किन है, ट्रस्ट मी, एकदम ग्लास स्किन हो जाएगा, कोई भी दाग धब्बे नहीं रहेंगे, कोई डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम नहीं का रहेगा, पिगमेंटेशन, छाया, झुर्रियाँ और जो एक्ने स्कार्स होते हैं या फिर आपके लिप्स लिप्स पे जो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होता है, ब्लैकनेस की प्रॉब्लम होती है, सनटैन का प्रॉब्लम, वो सारे कुछ ये दूर करेगा। तो ये आप इसे बेसक ट्राई कीजिए, यूज कीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। आप इसे हफ्ते में 3 से 4 बार भी यूज कर सकते हो और इसे पर डे भी यूज कर सकते हो नहाते टाइम। अगर आपका मन है तो हफ्ते में 2 से 3 बार पूरी नाइट इसे रखिए, बहुत ही कमाल का आपको रिजल्ट देगा। बहुत ही इम्तिनान से आपके स्किन के अंदर तक जाके आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, हेल्दी बनाएगा और अपना जो भी काम रहेगा वो करेगा। इसकी सारी गुडनेस आपके स्किन को अंदर तक देगा, तो आपको बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। इससे आपको बहुत ही, मतलब आपको इससे लगा कर ना बहुत ही एक अच्छा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मेक श्योर आप इसे जरूर ट्राई करें। आप मुझे इसे लगाने के बाद थैंक यू भी बोलोगे, इतना अच्छा ये रेमेडी है। अगर आपके पास ज़्यादा ताम झाम करने के लिए चीज़ें नहीं है ना, तो आप ये बस इतनी सी सारी चीज़ें लाएं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू, बाय। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।